नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ आज बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में किसान अब दिल्ली कूच पर आमादा है और आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से जो आ रही हैं लगातार उनका टकराव हरियाणा पुलिस के साथ आज भी जारी है और पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको बिल्कुल आगे बढ़ने की अनुमति ना दी जाए आगे ना बढ़ने दिया जाए लेकिन ये जो फिलहाल स्थिति वहाँ पर बनी हुई है ये बहुत देर तक नहीं चल सकती है इस बीच कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा इसीलिए सरकार ने पांचवें दौर की पांचवें राउंड की बातचीत ऑफर की है अब देखिए कि किसान इस पर क्या रुख अपनाते हैं अभी तक तो उन्होंने यही कहा है कि बातचीत जो भी होगी वो केवल और केवल एमएसपी की के, गारंटी के कानून को लेकर के होगी हमें किसी और चीज पर बात नहीं करनी फिलहाल आप हमको केवल इतना बताइए कि आप हमको एमएसपी की गारंटी का कानून बनाकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं सरकार ने जो ऑफर किया था उनको अभी चार रोज पहले जिसमें चार पांच फसलों के ऊपर गारंटीड खरीद थी पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट होना था उसको एक पल ऐसा लगा कि शायद किसान नेता जो हैं उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं उन्होंने दो दिन का वक्त भी मांगा लेकिन एक दिन के बाद ही कह दिया कि ये हमको मंजूर नहीं है इस सबसे ऐसा भी आभास होने लगा है कि कहीं जो किसान संगठन जितने भी इस आंदोलन में जुटे हुए हैं उनके बीच ही कोई मतभेद तो नहीं है कि कुछ लोग तो सरकार के रवैये के प्रति आ, कुछ सकारात्मक सोच रखते हैं शायद वो सरकार की बात समझना भी चाह रहे हैं और कुछ दल कुछ या, या कुछ नेता ऐसे हैं या कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो बिल्कुल एक ही बात पर अड़े रहना चाहते हैं वो उसके आसपास भी किसी और चीज पर सोचने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं अब देखिए कि आगे सरकार की सरकार के पास क्या कोई और फॉर्मूला भी है सरकार कुछ और भी ऑफर कर सकती है इन किसानों को और क्या किसान उस पर राजी होंगे लेकिन तब तक जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगभग माहौल कुछ ऐसा ही बना रहेगा बॉर्डर पर और इसका जो दूसरा परिणाम होता है आप उसको दिल्ली के दिल्ली के बॉर्डर पर महसूस करेंगे दिल्ली के बॉर्डर जाम किए हैं एहतियातन पुलिस ने वहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं दिल्ली वासियों को जगह जगह दिल्ली एन के लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है अब किसान नेता क्या कह रहे हैं सरकार कैसे आगे बढ़ेगी ये देखिए कई बार सरकार फिर बाद में हमारे खिलाफ प्रचार करती है देखिए हम तो इनको बात बातचीत के लिए बुला रहे हैं ये किसान हमारी न्योते को ठुकरा रहे हैं हम कहीं पे एक भी गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़नी चाहते कि इन आंदोलनकारियों को सरकार करे हम नहीं छोड़ेंगे हमने कहा कि हम बातचीत करेंगे लेकिन ये जरूर कहा कि अगर बातचीत शुरू करनी है तो पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए कि बातचीत जब भी होगी एमएसपी की गारंटी के कानून के हिसाब से बातचीत नहीं बातचीत में वो बैठक में तो कह रहे हैं लेकिन आ एक तरफ ऐसा हो रहा है हमारा एक किसान एक नौजवान इनकी गोली से या किस तरीके से कोई शैल वजह है वो पता करेंगे जाकर वो शहीद हो गया अगर हमारा एक बच्चा शहीद हो गया ऐसे हालात में बैठे करना मुझे उचित नहीं लग रहा वो तो तो मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उन्हें लागू कर दो नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे और ये हर प्रदेश के हर जिले में देश भर में है ये ट्रैक्टर तो लोग आ रहे हैं चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः पांचवें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं वार्ता के लिए हम तैयार हैं चाहे वो एमएसपी का हो चाहे वो पराली का मुद्दा हो चाहे एफ का हो चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखें और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें देखिए बातचीत तो तीन साल पहले भी करनी ही पड़ी थी चाहे किसान दिल्ली भी क्यों ना आ गए हो लेकिन उसके बाद भी सरकार से कितने दौर की बातचीत करनी पड़ी सरकार ने फैसला लिया कि इस वक्त किसी कृषि कानून लागू नहीं किए जा सकते कानून वापस ले लिए ले गए लेकिन उसकी भूमिका भी बातचीत से ही बन पाई थी तो बात तो अभी भी करनी ही पड़ेगी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ विनोद आनंद जी हैं प्रधानमंत्री ने जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है एमएसपी को लेकर के उसके सदस्य हैं कृषि अर्थशास्त्री भी हैं वीरपाल सिंह जी हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरदार वीएम सिंह जी हमारे साथ हैं एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और मारविंदर सिंह कांग जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से आप सभी मेहनों का बहुत स्वागत है मैं शुरुआत सरदार वी सिंह जी आपसे करना चाहता हूँ सर आगे क्या राह आपको दिखाई दे रही है सरकार बार बार बातचीत ऑफर कर रही है पहले एक फॉर्मूला भी उसने दिया कि ये चार पांच किसानों चार पांच फसलों पर हम गारंटीड खरीद करने के लिए तैयार हैं Uh, क्या रास्ता निकल सकता है आपके लिहाज से आगे तो सौरभ जी बहुत सीधी बात है आज वहां बीस संगठन है या पांच संगठन है वो इशू नहीं है पूरा देश इस पे एक है कि एमएसपी गारंटी कानून चाहिए पूरा देश एक है अब वो फिजिबल है या नहीं है आज पांच अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है लंबी चौड़ी जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का एक राजनीतिक बन गया है एक राजनीतिक है दो हो गए एक गुरु सिंह जी का अलग हो गया है एक हमारा मोर्चा है एक बाकी जो लोग हैं किसान संघ के हैं बाकी लोग हैं एक मोर्चा वो है सबको बुला के दस दस आदमी पांच पांच आदमी सबको बुला के अगर वार्ता होती है एक घंटे की वार्ता हो ओपन वार्ता हो टेलीविजन पे वार्ता हो पूरा देश देखे कि कौन सच है कौन झूठ है वो ये मुद्दे सामने असल तो आ ही नहीं रहे हैं आज हकीकत क्या है छियासी फीसदी लोग तो मार्दल फार्मर्स है छियासी फीसदी लोग जिनके पास दो बीघे चार बीघे एक एकड़ दो एकड़ पांच एकड़ से कम के हैं ना वो मूंग लगाएंगे ना कपास लगाएंगे ना उनके पास पैसा है ना वो धान गेहूं लगाते हैं उनकी बात कौन करेगा वो लगाते हैं सब्जी वो लगाते हैं फल वो लगाते वो, वो बेचते हैं दूध उसके लिए प्रोविजन ऑलरेडी है हम नहीं कहते आज करो प्रोविजन है उसको लागू तो करो कम से कम ये बातें किसी को मालूम नहीं है या मालूम हो तो कोई बात करता नहीं है इसलिए मेरा सोचना बड़ा सीधा है ये चलते रहेगा मामला गारंटी की बात करो सबसे बात करो स्टेक होल्डर सारों से बात करो तभी हल निकलेगा वरना हर आदमी अपने अपनी रोटिया और बैठा रहेगा सर इन शुरू पर जो आपने उठाया हम लोग आगे सबके बीच में बात करते हैं लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है इस आंदोलन के जरिए या दिल्ली आने की बात कह करके इस वक्त बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के आप देख रहे हैं चौदह पंद्रह हजार आदमी वहां पर डटा हुआ है क्या यह सही है पहली चीज तो यह है कि सरकार को चाहिए था जब मालूम चला कि ये लोग आने वाले हैं वार्ता तब करते ये नहीं कि बॉर्डर पे पहुंच गया तब वार्ता चालू हो गई नंबर एक नंबर दो आज भी मंत्री उनको समझाएं कि भाई तुम दिल्ली आने के लिए कहीं को दिल्ली आते हो हमसे वार्ता करने के लिए हम तुमसे वार्ता करने वही आ गए हैं तो एक दिन दो दिन चार दिन हम यही बैठेंगे वार्ता खत्म होगी हल निकलेगा तो हम जाएंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा पर अगर यही होगा कि भाई लोगों को कि दिल्ली चलेंगे दिल्ली आके तो वार्ता नहीं होने दिल्ली आके हल नहीं निकलने वाला ना ये केवल आज जिद की बात है होता क्या है हर आंदोलन में होता है दस बीस पचास आदमी जेन होते हैं बाकी चार पांच लोग पीछे से आ जाते हैं अब उनको आते हैं मजे और आज हकीकत यह है कि बच्चे खेती नहीं करते खेती घाटे का सौदा हो गया है बुरे हाल है इसलिए हर आदमी पीछे लग जाता है मंत्रियों को चाहिए आज उनको समझाएं बैठ के, के भाई वार्ता यही होगी हम जब तक वार्ता नहीं करेंगे तुमको तुम हमें खुश करो हम तुम्हें खुश करें और एक ऐसे आ, ऐसे ऐसा प्रोग्राम हो जो पूरा देश देखे इलेक्शन का पीरियड है पूरा देश कम से कम देखे के बात क्या हो रही है हम सही हैं तो सही हैं हम गलत हैं तो गलत हैं दिखना तो चाहिए ना आज पांच पांच घंटे की वार्ता हो रही है और फिर कहते वार्ता बेकार निकली अरे चार वार्ता बीस घंटे लगा दिया बीस घंटे लगते हैं कुछ काम में ऐसे जी बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ नहीं सरकार तो देखिए अभी भी वही वहीं चंडीगढ़ जाकर के बातचीत कर रही है आप कह रहे हैं कि भाई बातचीत भी जो है वो सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए चलें देखते हैं पुष्पेन जी के पास में जाना चाहता हूं पुष्पेन जी अभी जो सरदार साहब भी कह रहे थे कि भाई दिल्ली आकर ही कुछ मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार और किसानों के बीच में बात हो बात अभी भी हो रही है लेकिन अगर उसके बीच में हम ये जो बॉर्डर पर देख रहे हैं वो अगर होता रहेगा जैसे अभी ये किसान नेता कह रहे थे कि मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर एक भी जनहानि हो जाती है तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा तब आप बातचीत से भी शायद कोई हल नहीं निकाल पाएंगे तो जरूरी नहीं है कि ठंडे दिमाग से पहले शांति से बैठे जैसे पहले किसान किसानों ने कहा कि हम बैठे हैं हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे आप आके बात करो सरकार अभी भी कह रही है कि हम बात करते हैं आफ्टरऑल सोल्यूशन तो डायलॉग से ही निकलना है देखिए सौरभ जी इस देश का दुर्भाग्य ये है कि वार्ता जब दो साल पहले ये आंदोलन खत्म हुआ था और कॉल ऑफ किया गया था और इन मांगों पर सहमति बन करके कॉल ऑफ हुआ था तो उस वक्त के बाद से जो दो साल का पीरियड था उस वक्त जो है सरकार को वार्ता लगातार करनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने सोचा कि अब ये उठ के चले गए हैं घर चले गए हैं तो अब इनसे कोई वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है यही कारण है कि मजबूरी में जब इन्होंने देखा कि संसद का अंतिम सत्र समाप्त तो, होने जा रहा है और उसके बाद इन्होंने कानून जब पास नहीं किया तब जाकर के मजबूरी में ये दोबारा आए यदि वार्ता कंटिन्यूटी में जिस तरीके से अब ये दूसरे तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री भागे फिर रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं भागे फिर रहे हैं? तो आप अपने आप ही ये मैसेज दे रहे हो कि जब आप आंदोलन करोगे सड़कों को घेर लोगे घर से निकल आओगे तब हम वार्ता जल्दी जल्दी करते हैं आप घर चले जाओगे तो हम वार्ता बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये जो है वार्ता से हल निकलता है ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन अब तो ये सहमतियां हैं ये इसमें मांग नहीं नहीं है ये सहमतियां बन गई थी उस वक्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी अभी भी आपको मैं बता दू जो सहमतियां इन वार्ता के दौरान बनी है जैसे ट्विटर हैंडल चालू कर दिए जाएंगे किसान नेताओं के आज भी आप देख लें सारे बंद है रोज बंद किए जा रहे हैं वो ट्विटर हैंडल बदल बदल के उसको प्रसारित पर, करते हैं उसको बदल बंद कर दिया जाता है जो आंसू गैस के गोले ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली मनाई जा रही हो आप मुझे एक सेकंड का समय देंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ये 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 क्या तमाशा इस देश में हो रहा ये ये सुनिए ये आज का वीडियो है आवाज नहीं आ रही पुष्पिन जी जी वो लगातार अगर आप दिखाना चाह रहे हैं ऑडियो नहीं सुन पा रहा हूं लेकिन वो लगातार आंसू गैस के गोले फट रहे थे वहां पर हमने भी देखा जी दे, तो ये लगातार आंसू गैस के गोले एक तरफ आप सुबह को ट्वीट करते हैं सवा बजे आपको मालूम है कि कि बजे बजे की की कॉल इन्होंने दी हुई है जो है जो मार्च की, तो सवा बजे आप ट्वीट कर रहे हैं हैं भाई वार्ता के लिए हम तैयार और उसके बाद लगातार आंसू गैस के गोले फेंकने के बाद कह रहे हैं आप ये ट्वीट कर रहे हैं तो ये तरीका नहीं है कि भाई आप माहौल नहीं बनाते आप किसानों को कहीं कभी खालिस्तानी कह रहे हैं देशद्रोही कह रहे हैं उनके रास्ते में इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इतना ज्यादा जैसे आंसू गैस का गोला एक ही बहुत बड़ी भीड़ को चित्र वित्तर करने के लिए वो बहुत है लेकिन यहाँ तो यह ऐसा बज रहा है जैसा लग रहा का सीजन अब में जैसे है दीवानी जी वहां क्या हालात बने हुए हैं मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी भी किस्म का बल प्रयोग करना चाहिए किसानों के ऊपर लेकिन वहां कोई परिस्थिति निर्माण हुई होगी भाई आफ्टरऑल पुलिस भी वहां सामने खड़ी हुई है आगे बढ़ने की कोशिश होती है पुलिस रोकने की कुछ तभी संघर्ष होता है और संघर्ष में इस किस्म की चीजें होती है लेकिन नहीं होनी चाहिए ये बात ठीक है अब एक बात जो बुनियादी बात आपने कही कि इस पर सहमति बन चुकी थी मैंने आपसे पिछली बार स्टूडियो में आए थे मैंने तब भी पूछा था हम जितने लोगों से बात करते बहुत लोगों का कहना है सरकार ने कभी यह गारंटी नहीं दिया कभी नहीं आश्वासन दिया किसानों को कि हम ये गारंटी का कानून लेकर के आएंगे तो इस पर दो अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं हमें नहीं ये तो ये बात के लिए भी मैं बिल्कुल मैं सारी चीजों सबूत के साथ बैठता हूं ये सुनिए इसमें शायद आपको आवाज आ जाएगी ये सुनेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हाँ? ये ले तो 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 लागत गुना दिया जाएगा। बार-बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं इनकी खुद की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसमें इस बात को कहा गया है और इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने कहा है कि लागत के ऊपर डेढ़ गुना हम देंगे और आंदोलन के बाद भी इसीलिए समिति बनी थी उसकी चिट्ठी भी मैं पढ़ सकता हूं जी जब ये सहमति बन गई तो जब इन्होंने कमेटी बनाई उसमें सारी चीज गायब कर दी और जो जो टेलीविजन चैनल पर इनके पक्ष में दो चार बयान देते थे आ, उनको इसका सदस्य बना दिया अच्छा मेरे साथ विनोद आनंद जी है स्टूडियो में आ, वो, सु, सु, वो, 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 वो उनमें से एक ये है जी जो इनके पक्ष में बोलते थे और अब एमएसपी के खिलाफ ही बोलेंगे विनोद भाई नहीं नहीं जरूरी नहीं है देखिए बात बात जो भी हो तर्कसंगत होनी चाहिए इनकी बात सुनते हैं अब ये उस मैं बस दर्शकों के लिए बता दूं साल साल में में, में इन्होंने आप अपनी क्या 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 शिकायत कर लीजिएगा इनसे मुझे वो एक वो बार नहीं इनकी नहीं। बात पहुंचाने दीजिए दर्शकों तक जो प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो कमेटी बनाई गई जो एमएसपी को लेकर के और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के जो लोग बैठे थे उनमें से एक हैं विनोद आनंद जी पहले आप मुझे बता दीजिए आपकी कमेटी में

अगर मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करता हूं तो इसमें आप लोगों की क्या गलती है या आप लोग उसको क्यों भुनाना चाहते हैं मैं ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं करता हूं मैं उसका व्यापार तो नहीं करता हूं जैसे और किसान नेता करते हैं कृषि भवन के आसपास पाए जाने वाले ये तो आपके इल्जाम का मैं जवाब दे रहा हूं आप मेरा बैकग्राउंड अभी नहीं जानते तो अगर नहीं जानते तो उसको जानने का प्रयास कीजिए पहले रिसर्च कर लीजिए मेरे ऊपर उसके बाद हम पे आरोप लगाइए अब मैं बात अपनी पूरी करता हूं एमएसपी कमिटी की साहब ऐसा है कि स्वामीनाथन आयोग जो बना था स्वामीनाथन साहब एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट नहीं थे पूरा देश जानता है वो आर एन डी के व्यक्ति थे उन्होंने हरित क्रांति इस देश में लाई थी बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे और इसलिए उनको भारत रत्न दिया गया 2006 में अगर एम एस पी कमेटी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता वो रिपोर्ट तो आई लोग सोते रहे 2013 तक सोते रहे तब आपने आंदोलन नहीं किया और 2014 के बाद से जो चीजें बदलाव हुई उससे लोग घबरा रहे हैं अब लोग इसलिए घबरा रहे हैं कि कृषि की जो अर्थव्यवस्था थी जो अब एफ लोडेड थी जो एफ के एन थे वो तरह तरह की बातें करते थे रिटोरिक इस देश में देते थे वो अब पाए नहीं जाते हैं यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट दी है जनवरी में 6 जनवरी को कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.4 ग्रो कर रही है ग्लोबली सबसे आगे हम है आप मानते नहीं उस बात को अब मैं किसान पे आता हूं जो ने ने आपकी ने बात, बात, बात तो है तो बताए और अगर देश की अच्छी बात होती है तो आप मैं नहीं पढ़ू क्यों नहीं पढ़ू मैं ये इसका जवाब आप जब विनोदी चाहिए विनोद जी मैं एक चीज बड़ी इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब आप दीजिएगा क्या सरकार किसी भी सूरत में जो किसान चाह रहे हैं चौबीस फसलों पर शत प्रतिशत एमएसपी खरीद की गारंटी क्या वो सरकार दे सकती है ऑफर कर सकती है या नहीं अगर किसानों को खुश करने के लिए आसमान से चांद तारे भी तोड़ के लाने पड़े तो हम दे सकते हैं हम कर सकते हैं लेकिन उसका कोई तर्क तो हो आप लोगों की परेशानी यह है कि बिहार का कोई व्यक्ति आज एनसीआर रीजन का नहीं है और वो एमएसपी कमेटी का सदस्य है ये आपकी परेशानी है चले फिर आज तक सीएससीपी में आप क्या करते रहे अरे वो ठीक है वो सारे अखबार में भी पढ़ता हूं वो मिनिमम सपोर्ट आप नीचे रख लीजिए हमारा भी आर्टिकल पढ़ लीजिएगा बहुत सारे अखबारों में पढ़ता मैं भेज अच्छा जी देखिए इसमें समय जाता है प्लीज आरे हम लोग मुद्दे पर लौटते हम लोग आपस में हमको कोई पर्सनल पॉइंट थोड़ी स्कोर करना है वो तो स्कोर करते हैं ना उसको छोड़िए वो करेंगे सीधा सीधा एग्जाम लगाते हैं ना छोड़िए हो गई बात वो बात हो गई जवाब आप दीजिए प्रवक्ता हूँ पूरे देश के किसानों की बात करता हूँ जो, 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 हैं, हैं। जो किसान मांग रहे हैं वो कैसे दिया जा सकता है उसके लिए तो कमेटी बनी है बातचीत करें हाँ 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 क्या वॉट इज हाउ आप आते आप कहते कि हाँ भाई ये बड़ा आंदोलन किया हमने ये तीन लोग हमारे तरफ से रहेंगे आइए आपको मैं आश्वस्त करता हूं आप कमेटी में आइए हमसे चर्चा कीजिए सड़क पे आइएगा तो आऊंगा ठीक जवाब दिया मिनट एक, एक देश, एक देश एक के, एक के एक किसान एक जानते एक हैं एक आपको जवाब मिलेगा बीरपाल सिंह जी स्टूडियो में हमारे साथ सिंह साहब जी आप मुझे बताएं किसान तो नहीं माने सरकार के ऑफर पर अब क्या सरकार कर सकती है कि वापस लौटे के किसान अरे क्यों बताऊं आपको रिपोर्ट में क्या है डॉक्टर मीडिया के डॉक्टर डॉक्टर बीर वो जब हमारी रिपोर्ट चेयरमैन साहब बना लेंगे पूरे देश को दिया जाएगा

पंद्रह करोड़ इकहत्तर पॉइंट पांच लाख हेक्टेयर आज की डेट में उसके फोर्टी सेवन पॉइंट खेती करते हैं और उनके पास इतना सरप्लस नहीं होता कि वे के मार्केट में, में ले जा सकें और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार तीन कृषि कानूनों को लेकर आई थी लेकिन जब कृषि कानून आए तो देखिए कुछ लोग कहते थे कृषि कानूनों को सुधारो सुधारों तो से तो परिचित हो किसान देखिए तो मैं दिखा रहा हूं सौरभ जी आपको

प्राइमरी डेटा पे जो काम करता है वो रियलिटी होती है सेकेंडरी डेटा तो आपने उठा प्रिंट कर दिया उसे क्या करना है हमें पता एमएसपी भी आप किसान, किसान तो 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 हो रही है देखो केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के मंत्री हर समय कह रहे हैं कृषि मंत्री हर समय रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसान भाइयों से आप आइए और पांच फसलों की एमएसपी के गारंटी लेकर आए हैं आप कम से कम ली तो सही आप कुछ तो बैठ के चलिए आप ये थोड़े टेबल पे बैठे बीच में छोटा उठकर भागे ये कोई तरीका तो जैसे मेरे भाई आनंद जी बता रहे थे अभी कि तीन तीन नाम मांगे थे आज तक नहीं दिए क्यों नहीं दिए भाई आप बताइए क्यों नहीं दिए कौन कौन सी एकता है तो किसान भाई बताइए एक एक सरकार ने जब दिल्ली में आपको बताया दिल्ली में आपको कानून वापस लेने के बाद सरकार ने कमेटी के लिए आपसे नाम मांगे थे सब जनता परेशान है केंद्र सरकार हर समय तत्पर है तत्पर है के के लिए लिए उनका एक सके, सके, के लिए एक, लिए। एक सक, अभी पुष्पिन जी आपने ये कहा था कि जब जब ये हजारों लोग बॉर्डर पे डट गए तब सरकार आई चीज और बात करते हैं ये कह रहे हैं और बात तो हमने पहले भी सुनी है कि भाई सरकार की कमेटी में आपके तीन मेंबर होने थे संयुक्त किसान मोर्चा के वो क्यों नहीं आए वो इसलिए नहीं आए कि जो समिति का इनको चिट्ठी लिखी गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से समिति का मैंडेट क्या होगा वो किस लिए बनाई जा रही है क्या उसकी समय सीमा होगी कितने उसमें सदस्य होंगे क्या वो करने जा रही है अरे भाई बात हो रही है जो है गेहूं की और बात करने लोगों मक्का की बात हो रही है जो है शहर जाने की बात करने लोगों गांव जाने की अरे आपको जो बात कही गई है एमएसपी पे लीगल गारंटी देंगे इसके लिए कमेटी बनानी थी उसमें मैंडेट में नहीं था पहले ही नहीं था मैंडेट में और सारे सदस्य अपने तीन मेंबर हमारे और छब्बीस मेंबर इनके रिपोर्ट आती तो देखो जी इन्होंने खुद रिकमेंड किया है किसानों ने कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए तो फिर कैसे काम चलता तो ये ये जो तरीका है ये सब समझ रहे हैं जब सहमति बन गई वो चिट्ठी भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक मिनट में जो हमने चिट्ठी पढ़ी हुई है समय के पर बात करें चलिए अच्छा ठीक है उसकी भी दो लाइन पढ़ के सुना देता हूँ मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा कांग साहब मैं ब्रेक के बाद आपसे शुरुआत करूंगा एक ब्रेक ले रहा हूं मैं ब्रेक के बाद हम लोग वापस लौटते हैं देखें अब इस वक्त भी पुरानी बात करके भी वैसे कोई हासिल नहीं है बात तो हमको आगे की करनी है सरकार ने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया था चलिए किसानों को वो स्वीकारनी है अब दो कदम किसान अगर सरकार आगे बढ़ रही है तो क्या किसान अपनी वो जो एक लाइन की मांगे उससे कुछ हटने के लिए पीछे तैयार होंगे और होना चाहिए कि नहीं आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और हम बात कर रहे हैं किसानों की मांग की और इस वक्त जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं और बॉर्डर्स पर भी दिल्ली के आसपास भी वैसे जो पुलिस को ऐसा खदशा है कि किसान जो है आ सकते हैं पिछली बार की तरह और दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो बैठ सकते हैं आकर के तो ये स्थिति एक बनी हुई है एक तरफ तो ये इसको आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहिए और दूसरी तरफ किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत जो चार दौर हो चुकी है लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं रहा तो आ, कांग साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से मालविंदर सिंह कांग साहब कांग साहब मैं आपसे ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है इस पर बात करना चाहता हूं आ, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार को एक एडवाइजरी भी भेजी कि भाई आप इसको आ, इस पर आप अपनी दुरुस्त तरीके से कार्रवाई कीजिए किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए बीजेपी के लोग खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने इन किसानों को बॉर्डर तक खुलेआम आकर के वो भी ट्रैक्टरों के साथ हेवी मशीनरी पोकलेन मशी, पो, पोकलेन मशीनरी मशीनें जेसीबी वगैरह साथ में लाने की अनुमति दी है और आप हालात खराब करने में अपना हाथ अपना हाथ योगदान दे रहे हैं सौरभ जी फ्रॉम द फर्स्ट डे किसान यूनियंस ने कहा हम पीसफुली डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और अभी तक उनका वो है। रस्तों में तरीका में अवरोध खड़ा किया हरियाणा की भाजपा सरकार ने कंक्रीट के पहाड़ दीवारें खड़ी की हरियाणा की तो भाजपा सरकार ने इस किसानों पे गोलियां चलाई जा रही हैं आज हरियाणा की पुलिस द्वारा किस किसानों पे आंसू गैस फेंके जा रहे हैं हरियाणा भाजपा सरकार द्वारा विनोद जी अभी कह रहे थे कि मैंने मंदसौर को लेकर यूएनओ तक मैंने प्रोटेस्ट किया मैं नहीं सॉमन राइट हमारा देश है मैं पे बिलीव करने वाला हूँ आपके मुख्यमंत्री के जैसा एंटीब्लिसमेंट नहीं हो बीच में नहीं बोलता किसानों पर भाजपा अत्याचार कर है क्या पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके तो से प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है क्या दिल्ली में कभी भाजपा ने प्रोटेस्ट नहीं किया क्या देश के किसानों के देश की नहीं प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना का हर हर हिंदुस्तानी का अधिकार है लेकिन ये तो हाईकोर्ट ने बोला की प्रोटेस्ट करने के लिए ट्रैक्टर क्यों ले जा रहे हैं ये सौ ट्रैक्टर लेके ले जाने की क्या जरूरत है जेसीबी सौरभ जी ये बख्तर गाड़िया हो गए आज दस दिन हो गए वहां टें माहौल बनाया गया हरियाणा सरकार द्वारा किसानों ने कोई किसी तरह का लॉ को अपने हाथ में नहीं लिया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई नहीं बनी

देखिए प्रोटेस्ट देखे, करने के लिए पुलिस जगह देती है कि आप यहां पर मोर्चा निकालिए बैठ के आप अपनी सभा कीजिए रैली कीजिए मैं यही बता रहा हूं मैं यही बता रहा हूँ रास्ता रोका हरियाणा सरकार ने आप जाने दीजिए रामलीला ग्राउंड पे उनको जगह दे दीजिए तो आप ट्रैक्टर कहा पार्क करोगे दिल्ली में आप पंद्रह हजार ट्रैक्टर बारह सौ ट्रैक्टर कहां लगाओगे दिल्ली में लाखों लोग प्रोटेस्ट करते रहे दिल्ली में लाखों दस दस लाख लोग भी प्रोटेस्ट करते रहे क्या बात कर रहे हैं आप मैं तो पूछ रहा हूं आपसे सुनिए मैं पूछ रहा हूं आपसे क्या, क्या 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 ये सभी किसान नेता जो वहां से चल रहे हैं ये अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि हम किसी किस्म की आ, 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 पब्लिक रास्तों का अवरोध नहीं करने जा रहे हैं हम शांति से बस एक एक मैदान में जाकर के अपनी सभा करेंगे क्या कह सकते हैं किसान नेता फ्रॉम द फर्स्ट डे कह रहे हैं हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हमको जगह दी जाए उनका अधिकार है लेकिन क्या अंडरटेकिंग हरियाणा सरकार देगी जो गोलियां और अफरू गैस फेंके जा रहे हैं लोगों की जिंदगी के खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं रस्ते किसने रोके पहली बात रस्ते रोकने की शुरुआत कौन जिम्मेदार है इस संघर्ष का जिम्मेदार इस, 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 इस संघर्ष का जिम्मेदार पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है आपने पंजाब में अपने किसानों को ठीक से नहीं रख पाए आप क्या चाहते हैं पंजाब से दिल्ली का पैसेज क्या मतलब है ये और कौन से किसान नेता कहां से आए सात किसान संगठन और 690 किसान संगठन कब आए कहां बने देश में छप्पन किसान संगठन है एक को गिन दूंगा एक, एक को और बाकी और जोड़ दें तो तिरसठ हैं आप देश को बरगला रहे हैं ये कौन से किसान किसान बख्तरबंद गाड़ियों में आते हैं क्या बात करते हैं आप अपनी शीस महल में रहने वाले लोग आपको क्या पता किसान क्या होता है आपने कभी खेती नहीं की होगी कंग साहब आइए आपको खेती करके दिखाते हैं बिहार, बिहार में, में और से बिहार से जो आपके यहां आते हैं धान काटने के लिए हमारे यहां आपकी नीतियों की वजह से आपकी परेशानी है और हम कितने कब तक परेशान रहेंगे आप शीश महल में रहने वाले लोग हैं आपको शीश महल चाहिए अरे हम तो रोजी रोटी खाने वाले हम लोग मजदूर लोग सोचिए जवाब अरे आप कौन से किसानों वकालत करने वाले आप कौन से आप कौन से किसान की वकालत करने वाले हैं आप तो एंटी स्टेब्लिशमेंट शुरू से हैं। आपको तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब पूरा बुला रही है छह राउंड में आप पहुंचे नहीं अरे कौन से आप डेमोक्रेटिक हैं? कहां की डेमोक्रेसी सिंह साहब जो अभी जो अभी इससे पहले सुझाव केंद्र ने दिया किसानों को भाई पांच फसलों पर हम खरीद करेंगे पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा अनुबंध होगा एक मिनट सर प्लीज आपको आपकी आपकी नजर से क्या आ, वो 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 सुझाव मानने लायक था किसानों आ, को उस पर सोचना चाहिए था कतई नहीं अच्छा। हाथ के हाथ मना करना चाहिए था अच्छा। ये सुझाव क्या है कि अगर आप डाइवर्सिफाई करें डाइवर्सिफिकेशन की बात अलग होती है आप डाइवर्सिफाई करें अगर तो फिर आपका हम खरीदेंगे अगर आप दाले लगाएंगे ऑयल सीड लगाएंगे आप मैंने आपसे कहा छियासी फीसदी लोग तो दाले ऑयल सीड लगा नहीं सकते भाई आप केवल अगर बात करो या तो एमएसपी बना दो के धान और गेहूं की एमएसपी है बस उसके अलावा मतलब नहीं है या तो ऐसी बात करो पर जैसे मैंने आपसे कहा मैं आप केवल बात करना चाहता हूं बस एक 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 सेकंड 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 सर 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 इसी पर जो आपने बात अभी कही क्यों केवल धान और गेहूं पर एमएसपी मिले यह पूछा जाता है क्यों केवल दो ही फसलों पर एमएसपी मिले ये गलत है ये गलत है आज छियासी फीसदी लोगों के पास ना धान है ना गेहूं है बेचने के लिए इसीलिए प्रोविजन बनाया है भारत सरकार ने जिसको नहीं मैं दिखा सकता हूं प्रोविजन बनाया है कि पेरिशेबल कमोडिटीज और फ्रूट के लिए फोर्टिकल्चर के लिए भी खरीद होनी चाहिए इंटरवेंशन होना चाहिए ये बहुत जरूरी है ये शायद मंत्रियों को मालूम नहीं या कोई बता नहीं रहा है और मैं बताना चाहूंगा अभी अभी आपके हमारे पैनल पे बताया गया था कि कमेटी की रिपोर्ट आने तो दीजिए भाई मेरे कौन सी कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हो इतनी बड़ी कमेटी की रिपोर्ट आई। मिनिस्ट्री ने गुरुण गुरुण बनाया का एक, 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 एक महाराष्ट्र के थे वो वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट दी उसके रिपोर्ट के बाद एक लेटर अलग से दी उन्होंने गारंटी दो उसको तो लागू कर दो ना जब वो रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे तो आपकी जो नई रिपोर्ट आएगी उसको कौन लागू करेगा भाई प्रधानमंत्री अपनी रिपोर्ट को लागू नहीं कर पा रहे रिपोर्ट को कर करेगा? और लिखा गया के प्लस 50 देंगे आपने नहीं दिया आपने आप सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया कि नहीं दे सकते फिर दो में हमने तीन चार लाख लोग लेकर और दिल्ली रामलीला मैदान से पूरा करके और जितने ऑपरेशन इकट्ठा किया सबने माना उस समय तो राहुल गांधी से लेकर के, अरविंद केजरीवाल से लेके शरद पवार शरद यादव सब, सब तो सीएम जी है। में किसी ने नहीं लिखा? आता हूं आपके पास एक और... जी राइट सर राइट सर राइट सर एक बार जरा क्योंकि आप इनसे बात रहे थे इनकी कमेटी क्या करने वाली आपने बताया नहीं अभी तक कमेटी की रिपोर्ट में क्या है आपसे सीधा पूछा था ये जो मांग रहे हैं आपने क्या कभी इनसे वादा किया था और क्या दे सकती है सरकार या नहीं दे सकती साफ साफ, साफ, साफ पहले, पहले सौरभ जी, जी किसान कभी मांगते नहीं है देश उनके लिए है देश उनका है।, 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 तो है तो हमारी कमेटी उनको क्या दे इस हम देने वाले कौन होते हैं तो हम लोगों ने चर्चाएं की और सहकार से सिद्धि का जो ये स्कोप है जिसमें सहकारिता में जितने सुधार हो सकते हैं और पूरा एक आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो एक एक चीज को थ्रेडवेयर हम लोगों ने डिस्कस किया है पुष्पेंद्र जी हंस रहे हैं आपकी हंसी का स्वागत है आप पहली बार मुझे खुश दिख रहे हैं वंदन है आपको चलिए हमारी बात से खुश हुई आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद तीस से ज्यादा बैठके हमारी हुई है और हम लोगों ने एक ऐसा सारा सेटअप किया है कि जिससे किसान को जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे अभी तक की सरकारों ने क्या किया जी सिर्फ पंजाब हरियाणा से प्रोक्यूरमेंट करेंगे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वहां के लोग गरीब मजदूर इनको पंजाब में धान काटने के लिए चाहिए दिल्ली में इनकी ड्राइवर्स तो ये एंटी पुअर लोग जो है वो इस बात को समझे कमेटी जो काम कर रही है एग्रीकल्चर को हम समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी है और एग्रीकल्चर आर्मी भी देती है कि वो किसान ही है जो फौज में है वो किसान ही है जो लखीमपुर खीरी में है, वो किसान ही है जो बॉर्डर पे है तो हम उन सारे लोगों के लिए होलिस्टिक बातें कर रहे हैं कृषि पूरी अर्थ व्यवस्था ही नहीं है कृषि एक कल्चर है और डिप्लोमेसी तो है और पॉलिटिक्स भी है तो एक मिनट दे दो भाई विनोद भाई आप जिस बहुत बड़ी कमेटी के सदस्य हैं उसका आधारिय चिट्ठी है उसके दो लाइन पढ़ना बहुत आवश्यक है जो संजय अग्रवाल तत्कालीन कृषि सचिव थे उनके और सरकार के बीच में जो बात हुई थी और उन्होंने जो चिट्ठी दी थी एसकेएम को वो ये थी कि वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन के लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से यह प्रस्ताव दिए जाते एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है आगे मैं मेन पॉइंट पढ़ रहा हूं कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए इस पर आपकी कमेटी ने क्या किया केवल और केवल केवल और केवल इस बिंदु पर आप बताएं पुष्पेंद्र जी हमारी कमिटी ने क्या किया है मैं आपको मीडिया में नहीं बताऊंगा उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में साफ साफ लिखा हुआ है अरे तो लो, लो मेरे भाई। बड़े भाई तो लो पूरी बात ट्रांसपेरेंट कैसे बने और इफेक्टिव कैसे बने आप जो कह रहे हैं मैं उसी को आपकी बात ही तो मैं कह रहा हूं सुनिश्चित कैसे किया जाए हमारे कृषि मंत्री जी ने नहीं नहीं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो आप शांत हो जाइए ना आप कैसे शांत हो जाऊंगा तो आपने जो सवाल पूछा है उसको नहीं। नहीं। बता के ही शांत होगा ना आप कौन होते हैं मुझे शांत करने वाले पुष्पेंद्र सिंह चौधरी साहब आप मुझे शांत करने वाले कौन होते हैं आप 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 मॉडरेटर नहीं है इस मीटिंग के अभी जो मीटिंग चल रही है अभी जो बातचीत हो रही है उसके मॉडरेटर सौरभ जी हैं हुई दिस इज अग दिस इज अग जेस्टर चौधरी साहबर बात सुन ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव कैसे हो पूरे सुनिश्चित करें कि उनको एमएसपी का फायदा मिले ना कि ओपन एंडेड ऑपरेशन सिर्फ पंजाब और हरियाणा में होता रहे बिहार में भी हो साउथ में भी हो तो तमिलनाडु तो किसान ने क्या गलती की उसके सारे जिलों से धान की खरीदारी क्यों नहीं करवाएंगे आप सिर्फ पंजाब से करवाएंगे केरल के किसान तो तो ने क्या किया उसके सारे जिलों से क्यों नहीं चावल खरीदवाएंगे मिथ्या बातें करते हैं देश को भटकाते हैं किसानों की बात और गरीब की बात नहीं करते हैं मजदूर की बात नहीं करते हैं चौधरी साहब सर मैं 20 सेकंड ज्यादा तो नहीं है मेरे पास लेकिन पाल सिंह जी वीरपाल सिंह जी क्या आपको के लिए बिल्कुल भी कोई डाउट के लिए, के लिए, इसमें नहीं है आप पर लेकिन बैठे तो सही आप भागे तो मत देखो मैं बताता हूँ केंद्र सरकार हर समय किसानों की जीवन स्तर उठाने के तत्पर है अरे एफ का पंजीकृत जो अधिकृत जो मूल्य था ना वो 10000 करोड़ रुपए था अभी केंद्र सरकार ने उसको 21000 करोड़ रुपए कर दिया ताकि किसानों का जो उत्पाद है एमएसपी पर खरीदा जा सके आप सुनिए पहले आप सुनिए देखिए एक बहुत बातों में कि सबसे पहले किसान को फसल उत्पादन के लिए सिंचाई का पानी चाहिए और केंद्र सरकार 1987-88 में देखो कितना एरिया था 36% टोटल इरिगेटेड एरिया था 36% आज वो केंद्र सरकार ने 51% कर दिया केंद्र सरकार की नीति है कि हम सर, सर, लेकिन हम, जैसा जो श, जो बातचीत शुरुआत में कहा गया था मांगे भी हैं, तो करनी तो पड़ेगी बात ही और सरकार ने पांचवें दौर की बातचीत तो ऑफर की है मुझे लगता है किसान देर सवेर इसके लिए स्वीकार इसके लिए, इस लिए तैयार होंगे बहुत धन्यवाद विनोद आनंद जी वीरपाल सिंह जी चौधरी सिंह जी सरदार वीएम सिंह जी और मालविंदर सिंह कांग जी बहुत धन्यवाद आपका आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए